जैसे हम घूम फिर के फिर वहीं आ गए जहां से चले थे। फिर एक नई रेस शुरू होगी, फिर हमें दौड़ना होगा और फिर जीतने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, इस बार मेरा दिल कहता है कि हम हारेंगे नहीं। तू इतनी परेशान क्यों है अंबर? मैंने कहा ना सब कुछ। मैं परेशान नहीं, मैं गुस्सा हूं अपनी किस्मत से, इस झूठी दुनिया से और तुझसे। हाँ, मैं सबसे ज्यादा गुस्सा हूं तुझसे। मुझसे? लेकिन मैंने क्या किया? क्या किया? तूने दीपिका के सामने सच क्यों नहीं बोला कि पार्टी बर्बाद बच्चों ने नहीं बल्कि सोनिया ने की, और मुझे भी सच बोलने से रोका? वो बेचारे बच्चे इतनी बुरी तरह से पिटते रहे, और अब तू पूछ रही तूने क्या किया? क्या क्या हो गया है तुझे डी? मैं सोचती थी कि मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, लेकिन तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, किसी का बुरा नहीं कर सकती, लेकिन आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। Really, it's disgusting. अगर हम दीपिका को सच्चाई बता देते तो क्या वो हमारा यकीन करती? और अगर वो हमारा विश्वास कर भी लेती तो शायद वो बच्चों को बोर्डिंग स्कूल कभी नहीं भेजती। इस घर में हमारी किसी को भी चिंता नहीं है, कब हमारा बर्थडे है, क्या खुशियां हैं। हम तो उन्हें इतना परेशान करना चाहते हैं कि वो दोबारा हमें बोर्डिंग स्कूल भेज दे। हम बोर्डिंग स्कूल में थे, ठीक थे। तू जानती है ना अंबर, कि वो बच्चे इतनी शरारत इसलिए करते हैं ताकि किसी तरह दीपिका उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दे। और आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से दीपिका ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला ले लिया है। हमारी नौकरी गई तो गई, लेकिन कम से कम उन बच्चों को वो तो मिल गया जो वो चाहते थे। I'm sorry, dear. I'm sorry. पर दी, मुझे बच्चों की बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। मम्मी को
बोर्डिंग स्कूल के सर से बात करते सुना। वो कह रही थी कि वो कल सुबह ही आप दोनों को लेके जाएगी। अगर आप दोनों यहाँ से चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम अकेली कहाँ हो चिंकी? मम्मी है ना तुम्हारे साथ? लेकिन आप दोनों तो नहीं रहोगे ना मेरे साथ। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। अगर आप लोग को यहाँ से जाना है तो मैं भी चलूंगी। ये क्या कह रही है तू चिंकी? देख समझने की कोशिश कर। हम वहाँ रहेंगे तो यहाँ की रोज रोज की डांट तो नहीं खानी पड़ेगी ना? और हम छुट्टियों में आएंगे ना तुझसे मिलने के लिए? छुट्टियों में नहीं, अभी मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। अगर जाएंगे तो तीनों जाएंगे, वरना कोई ऐसा नहीं जाएगा। देख चिंकी, हम भी तेरे बिना नहीं रह सकते हैं ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे अकेले नहीं रहना। मैं दोनों को कभी नहीं जान दूंगी, कहीं नहीं जान दूंगी, कभी नहीं जान दूंगी। चिंकी, चिंकी हमारी बात तो सुनो। कोई कहानी सुनाइए ना प्लीज। अभी नहीं, रात बहुत हो गई है, अब तुम दोनों सो जाओ। लेकिन आपकी कहानी के बिना नींद नहीं आएगी। रोज़ रोज़ कहानी, हाँ? बहुत जिद्दी हो गए हो तुम दोनों। जब नानू नहीं रहेगा तो क्या करोगी? सारी रात जागती रहोगी? ऐसा कभी नहीं होगा, आप हमेशा हमारे साथ हो। कभी हमसे दूर नहीं जाओगे, और अगर हम कभी आपसे दूर भी गए ना तो भी आप हमें कहानी सुनाना मत भूलना। हम जहां भी होंगे वहीं से सुन लेंगे। हाँ नानू, आपकी आवाज हमारे दिल तक जाती है। हम जहां भी होंगे ना वहीं आपकी आवाज पहुंच जाएगी। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी बच्चियां परेशान हैं? उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। वो जरूर हमें याद कर रहे होंगे। और मेरी आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, है ना दी? बिल्कुल भी नहीं। चल अब आंसू पोछते। चल घर चलते, बहुत रात हो चुकी है और अक्षत और बीजी इंतजार कर रहे होंगे ना। चल
बोला, इस अंबर के लिए मेरा प्यार मुझसे ज्यादा किसी और की परवाह करता है। क्या सोनिया की बात सच तो नहीं? क्या मेरे दिल में अंबर के लिए दोस्ती नहीं, कुछ और है? क्या इसीलिए मुझे हमेशा उसकी फिक्र रहती है? उसकी कोई तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? क्या हुआ पितर, परेशानी क्या? कुछ नहीं बीजी। ओ खोते दे पुत्र, तू मुझसे छुपा रहा अपनी बीजी से? तुझे पता है ना कि मैं तुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हूं। सच सच बता, बात क्या है? बीजी, आज ओबेरॉय के यहां पार्टी में ऐसा कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बीजी, अंबर धरा की मदद करके क्या मैंने कुछ गलत किया? ना पुत्र, तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने वही किया जो तुझे करना चाहिए था। हाँ एक गल जरूर है, अगर तू पहले से सोनिया को बता देता ना तो शायद वो इतना नाराज नहीं होती। मैं उसे बता देता बीजी, पर मुझे डर था कि सोनिया समझ नहीं पाएगी, इसका गलत मतलब निकालेगी वो। डर तुम्हें इसलिए था अक्षय, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। सॉरी अक्षत, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं जानती हूँ पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन ये सब इसलिए हुआ because you really hurt me। सोचो जब वहां पार्टी में मुझे सबके सामने पता चला कि मेरे अक्षत ने मुझसे झूठ बोला है तो कैसा लगा होगा मुझे। अक्षत, तुम ये मैथ टीचर बनने का नाटक मुझे बताकर भी तो कर सकते थे ना? It's not fair। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है तुमने। सोनिया आए। सोचो, अगर यही मैंने तुम्हारे साथ किया होता, तो कैसा लगता तुम्हें? बोलो। मैं अपने अक्षत को और परेशान नहीं करना चाहती, मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ अक्षत। सोनिया, मैं जानता हूँ कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, एंड आई नो कि तुम बिल्कुल गलत नहीं कह रही थी, आई एम रियली सॉरी। मैंने ये सब सिर्फ अंबरधरा की मदद करने के लिए किया था। मैं जानती हूँ अक्षत, पर तुम्हारी मदद और उनकी मेहनत दोनों पर पानी फिर गया। मतलब ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद पार्टी में और भी तमाशा हुआ। क्या? हाँ, वो बच्चों ने हॉल में पटाखे जलाए और जमीन पर उन्होंने कंचे डाल दिए। सब लोग इधर उधर भागने लगे, पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। और दीपिका तो गुस्से से पागल हो रही थी,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं वहां से चली आई, लेकिन मुझे डर है कि बच्चों की शैतानी की वजह से अंबर धरा कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। ये बच्चे ना कभी सुधर नहीं सकते। सच। ओह माय गॉड, 12:30 बज गए, ये अंबर धरा अभी तक आई क्यों नहीं? मैं देख कर आता हूं। इतनी देर कहां लगा दी? कहां थे तुम दोनों? और क्या हुआ पार्टी में? वो एक्चुअली किसी ने हॉल के अंदर पटाखे चलाए थे। हाँ, मुझे सोनिया ने बताया। सोनिया कह रही थी कि दीपिका बहुत गुस्से में थी। तुम दोनों को तो कुछ नहीं कहा ना उसने? तुम्हारी नौकरी? बोलो ना, आखिर हुआ क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम दोनों? हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। डैम, इसी का डर था मुझे। जंगली है तीनों, जंगली। You're right, अक्षत। उन बच्चों की वजह से बेचारी अंबर धरा की नौकरी चली गई। कितनी परेशानी उठानी पड़ी इन्हें। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों ने उन्हें पार्टी में लाया ही क्यों? रहने देना था बंद कमरे में। ये बच्चे ना इतने शैतान है कि कभी बदल ही नहीं सकते। अक्षर, उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया। ओ स्टॉप इट धारा, तुम क्यों उन्हें डिफेंड करती रहती हो? और कब तक बचाती रहोगी तुम उन्हें? नहीं अक्षर, उन बच्चों पर इल्जाम मत लगा। असली गुनेगार तो इल्जाम नहीं लगा रहा, जो सच है वही कह रहा हूं। अब इन बातों से क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। You're right, जो होना था सो हो गया। अक्षत, मैं कुछ देर तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहती हूँ। तुम लोग बात करो, हम चलते हैं। अंबर धरा, गुड नाइट। चुप रही तू? तो अक्षत को झूठ बोलकर बहका रही है और तू चुपचाप खड़ी देख रही है। क्यों? डरती है क्या तू सोनिया से? बोल
बोलती क्यों नहीं? जैसे तेरे दीपिका के सामने चुप रहने की वजह थी, वैसे ही मेरे अक्षत के सामने चुप रहने की वजह क्यों नहीं हो सकती? वजह है तो बोलती क्यों नहीं? बोल ना। तू ही कहती है ना कि हमारी सासें एक साथ चलती है, तो तू ही मेरे दिल में पढ़कर क्यों नहीं देख लेती कि वजह क्या है? बोल, बता क्या वजह है? मैंने तो बहुत पहले ही पढ़ लिया था। और आज भी मैं जानती हूं, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती वो अंबर जो कभी गलत होते देख नहीं सकती थी, जो कभी चुप नहीं रह सकती थी, वो आज कैसे चुप रह गई? सच बोलने से क्या होता धारा? अक्षत और सोनिया के बीच झगड़ा, तो प्यार करने वालों के बीच लड़ाई करवा के मुझे क्या मिलता? हमारी वजह से मेरी वजह से अक्षत और सोनिया के बीच काफी लड़ाई हो चुकी है। नंबर सोनिया ने जो किया क्या वो ठीक था? ठीक नहीं था। लेकिन सोनिया ने जो कुछ भी किया उसकी वजह मैं ही हूं। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं धारा, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे खोना नहीं चाहिए। और अक्षत वो तो मेरा दोस्त है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके प्यार को चोट पहुंचे। I can't do that, T. मुझसे नहीं होगा। सच कह रही अंबर, उस रास्ते पर जाना ही क्यों? मैं सिर्फ दर्द हूं, खुशी नहीं। खुशी लेकिन मैं बहुत खुश हूं धारा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अक्षत से दूर रहूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.